कल सेबी की एक बोर्ड बैठक होने वाली है जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सेबी की बैठक में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स के नियमों को और आसान बनाने पर चर्चा हो सकती है। साथ ही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश की इजाजत भी मिल सकती है। इशू के स्पॉन्सर्स की संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा देश छोड़कर गए फंड्स के वापस आने पर सरल नियम आ सकते हैं, उन्हें एलिजिबल फंड मैनेजर का दर्जा भी मिल सकता है। तरुण मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी मुंबई से। तरुण, जरा इस बोर्ड बैठक के बारे में बताइए, कौन सा जो खास एजेंडा रहेगा इस फोकस में, इस मीटिंग में? बिल्कुल, कल शाम को 4 बजे सेबी की बोर्ड बैठक है और इस बैठक में दो मेन एजेंडा है, जिसका आपने बताया कि रियल एस्टेट के जो रिस्क है उसके नियमों को आसान किया जाएगा, वो बोर्ड से चर्चा की जाएगी। और साथ ही जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो ऑफशोर जो फंड्स हैं उनको इंडिया में आते हैं, तो किस तरह की सहूलियतें दी जाएं, उस पर विचार किया जाएगा। ये दो मेन एजेंडा है। और तीसरा जो मेन एजेंडा है सेबी का, वो सेबी का एनुअल रिपोर्ट जो है, जो फाइनेंशियल क्लोजर होता है, उस पर बोर्ड की बैठक होगी। तो ये तीन मेन एजेंडा के साथ कल बोर्ड मिलेगा। और कल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो प्रशांत शरण फुल टाइम मेंबर हैं, उनकी आखिरी बोर्ड बैठक है और 25 जून को वो रिटायर हो रहे हैं, तो इसलिए ये बोर्ड बैठक थोड़ी जल्दी रखी गई है बाकी दिनों के मुकाबले। और ये तीन मेन मुद्दों पे विचार विमर्श। शुक्रिया तरुण आपका, आप इस खबर पर नजर बना रही है, आपसे आगे अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर है, मार्केट रेगुलेटर सेबी सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन की 16 और शहरों की जमीनों को नीलाम करेगी। इन जमीनों का रिजर्व प्राइस 1,245 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सेबी के पब्लिक नोटिस के मुताबिक सहारा की 8 संपत्तियों की नीलामी का पहला चरण 20 जून को होगा। इसमें करीब 580 करोड़ रुपए रिजर्व प्राइस वाली जमीन नीलाम की जाएगी, जबकि बाकी 8 संपत्तियों की नीलामी 27 जून को होगी। 27 जून की नीलामी में करीब 666 करोड़ रुपए की संपत्ति को नीलामी के लिए रखा गया है। ज्यादातर जमीन एग्रीकल्चरल और रेजिडेंशियल फ्री होल्ड जमीनें हैं। ये संपत्तियां बेगूसराय, काशीपुर, पश्चिम मेदिनापुर, तिरुनेलवेली, सागर और सतना के अलावा मुरादाबाद में है। इसके अलावा श्रीगंगानगर, अमृतसर, सिलीगुड़ी, हरिद्वार, ग्वालियर, बेरहामपुर, वेल्लोर और जबलपुर में भी संपत्तियां हैं। सेबी ने नए नोटिस में भी जमीन के मालिकाना हक जांचने और भविष्य में आने वाली देनदारियों का जिम्मा भी बोली लगाने वालों पर ही छोड़ा है। उधर यूबी होल्डिंग्स ने ईडी की ओर से शनिवार को अटैच हुई संपत्तियों का ब्यौरा जारी किया है। यूबी होल्डिंग्स के मुताबिक करीब 1,376 करोड़ रुपए की कुल 7 संपत्तियां जब्त की गई हैं। प्रॉपर्टीज की यह वैल्यू स्थानीय सर्किल रेट के हिसाब से आंकी गई है। इसमें मुंबई और बेंगलुरु के एक एक फ्लैट, तमिलनाडु में एक फैक्ट्री, यूबीएचएल का यूबी सिटी का ऑफिस और 2 फ्लोर कार पार्किंग यूबी सिटी के कैनबरा टावर में 3rd से लेकर 16th floor तक अटैच किया गया है। हालांकि 9वां और 15वां floor जो कि यूनाइटेड स्प्रिट्स को बेचा जा चुका है, वो इसमें शामिल नहीं है। यूबी मॉल में बड़ा रिटेल एरिया और बेंगलुरु के किंगफिशर टावर्स की अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इसमें शामिल है। कंपनी के मुताबिक इस मामले में कानूनी सलाह ली जा रही है। ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत अटैच की गई है और ये अटैचमेंट 8 महीने के लिए वैलिड होगा। और अब बात राजस्व ज्ञान संगम की। टैक्स अधिकारियों के 2 दिन के ज्ञान संगम की आज पीएम मोदी ने शुरुआत की। इस दौरान पीएम ने टैक्स अधिकारियों के सामने बड़ा टारगेट रखा और कहा कि वक्त आ गया है जब टैक्स के दायरे को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीनियर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स के 2 दिवसीय सालाना कॉन्फ्रेंस राजस्व ज्ञान संगम का उद्घाटन किया। टैक्स अधिकारियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने उनके सामने बड़ा टारगेट रखा है। पीएम ने कहा कि कुल टैक्स का 92% हिस्सा तो अपने आप आ जाता है और केवल 8% लोगों से टैक्स वसूलने के लिए 40,000 अधिकारियों की फौज है, तो क्यों ना इसका दायरा बढ़ाया जाए, इसे करीब 5.5 करोड़ लोगों से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाए। इसके अलावा पीएम ने टैक्स अधिकारियों को इस संगम में कुछ और ज्ञान भी दिया। पीएम ने डिजिटाइजेशन पर जोर देते हुए रैपिड फॉर्मूला टैक्स अधिकारियों के सामने रखा। रैपिड यानी रेवेन्यू, अकाउंटेबिलिटी, प्रॉबिटी, इंफॉर्मेशन और डिजिटाइजेशन। पीएम मोदी ने कहा कि आप जानते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, इस ज्ञान संगम में उसका हल ढूंढिए और बाद में इसे कर्म संगम में बदलिए। पीएम ने इसके लिए गूगल बाबा की कहानी भी सुनाई। कुल मिलाकर पीएम मोदी का पूरा जोर टैक्स डेफिसिट से पहले उस ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने पर था, जो अभी भी टैक्स अधिकारी और टैक्स पेयर्स के बीच दिखता है। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली।
उधर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी आने के बाद डिस्काउंट पर महंगाई की मार पड़ सकती है। अक्सर आप ऑफ सीजन में मिलने वाले भारी भरकम ऑफर के तहत काफी सामान खरीदते हैं, लेकिन उस पर अब कैची चल सकती है। जीएसटी डिस्काउंटेड प्राइस के बजाय उस प्रोडक्ट की एमआरपी पर लगेगा। यानी अगर किसी शर्ट की कीमत 2000 रुपए है और 50% डिस्काउंट पर 1000 रुपए की मिल रही है तो जीएसटी 2000 रुपए पर लगेगा, जबकि पहले जो सेल्स टैक्स लगता था वो डिस्काउंटेड कीमत पर लगता था। फिलहाल राज्यों में सेल्स टैक्स करीब 4-5% के बीच है। तो डिस्काउंट पर जीएसटी की मार पड़ सकती है, यानी जो कोटेड प्राइस है उसकी बजाय जो एमआरपी है उस पर टैक्स लगेगा। द टेक महिंद्रा के एमडी एंड सीईओ सीपी गुरनानी का कहना है कि रिटेल टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन डिमांड बढ़ रही है। गुरनानी के मुताबिक ग्लोबल स्तर पर टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है। गुरनानी का कहना है कि पेमेंट बैंक कारोबार में मार्जिन नहीं होने की वजह से कंपनी के बोर्ड ने लाइसेंस वापस करने का फैसला किया। सीपी गुरनानी से खास बात की हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने। क्या वजह रही जो टेक महिंद्रा को इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल गया था पेमेंट बैंक का, उसके बाद वापस ले लिया गया? देखिए साहब, शुरू में भी मैंने यही अर्ज़ किया था कि हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हैं और हमारा ये जो फोरे था ये दूसरी जो हमारे पार्टनर थे महिंद्रा फाइनेंस उनके साथ में मिलकर एक तरीके से आगे बढ़ने का था। जब हम दोनों का जो स्पेशल टास्क फोर्स जो बनी थी उन लोगों ने जब इस चीज़ को इवैल्यूएट किया तो ये रियलाइज़ किया कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर नहीं है अब मार्केट में, क्योंकि जहाँ 11 प्लेयर होते हैं और एक तरह से जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो इंक्लूसिवनेस की तरफ ज़्यादा होती हैं, और नंबर टू मार्जिन्स नहीं थे बिजनेस के अंदर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने फर्स्ट लीजिंग के पूर्व एमडी फारूक ईरानी की 51 करोड़ रुपए से ज्यादा की फिक्स्ड डिपॉजिट जब्त कर ली है। आपको बता दें कि 14 जून को ईडी ने फारूक ईरानी को गिरफ्तार किया था। फारूक पर आईडीबीआई बैंक को 274 करोड़ रुपए और एसबीआई को 248 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। एसबीआई और आईडीबीआई बैंक ने फारूक के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत मामला दर्ज कराया है। जी बिजनेस ने आपको पहले बताया था कि सरकार ने ईडी को बैंकिंग डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कसने का आदेश दिया था। उधर देश में सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज विद्यांजलि कार्यक्रम लॉन्च किया। इस कार्यक्रम का मकसद सरकारी स्कूलों के हालात को बेहतर बनाना है। इस मौके पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। इस कार्यक्रम से फिलहाल देश के 21 राज्यों के 2200 सरकारी स्कूलों को जोड़ा गया है और दिसंबर 2016 के अंत तक देश के सभी सरकारी स्कूलों को इससे जोड़ा जाएगा। इसके जरिए सरकारी स्कूल के बच्चों को स्कूल सिलेबस से हटकर कविता, कहानी, पेंटिंग, खेल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मजबूत बनाया जाएगा। mygov.in पर आप विद्यांजलि से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं और इससे वॉलंटियर के तौर पर जुड़ भी सकते हैं। वो नागरिक जो राष्ट्र के शैक्षिक उत्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं उनको विद्यांजलि के माध्यम से सरकारी स्कूलों से जोड़ने का हमारा प्रयास है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि देश के 21 राज्यों ने इस वॉलंटियर प्रोग्राम को अपने कार्यशैली में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है।